बुआ के खाते में मोटी रकम। 24 घंटे में लखपति बनी बुआ। किसने भर दिया बैंक अकाउंट? नवाब के साथ क्या थी प्लानिंग? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले के खुलासे के बाद इसमें एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है कि बुआ 24 घंटे में लखपति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलने की बात भी हो रही है। तो चलिए एक बार फिर से अखिलेश यादव के नवाब के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है कन्नौज कांड के अपडेट। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर किशोरी ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, पीड़िता की शिकायत पर बीते रविवार देर रात पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह को आपत्तिजनक हालत में उसके कॉलेज के एक कमरे से गिरफ्तार किया था। वहीं नवाब सिंह जेल की सलाखों के पीछे है। उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब उसके DNA जांच की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे सच्चाई का पता चलेगा। सपा नेता नवाब सिंह यादव का DNA टेस्ट कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। मंजूरी मिलते ही सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट में किशोरी के बयान और मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस साक्ष्यों को और पुख्ता करने पर काम कर रही है। SP अमित कुमार आनंद के मुताबिक DNA टेस्ट कराकर वैज्ञानिक तरीके से मामले को और स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं किशोरी को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया है, जबकि नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीड़िता की बुआ की गिरफ्तारी है। इसी बीच उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल भतीजी के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख के दुष्कर्म करने में सहयोगी रही बुआ 24 घंटे में लखपति बन गई। चर्चा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख को बचाने के लिए उसके करीबियों ने फरार चल रही बुआ के खाते में समझौता कराने के लिए लाखों रुपए भेजे। दरअसल मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को जानकारी मिली है कि वारदात के बाद सोमवार की सुबह से मंगलवार सुबह तक उसके खाते में कई लोगों ने लाखों रुपए भेजे हैं। समझौता कराकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख को बचाने के लिए उसके करीब कोल्ड मालिक, ठेकेदार और कुछ अन्य करीबियों ने बुआ के खाते में भुगतान किया है। बैंक खाते में रकम भेजने के पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि वो किसी के इशारे पर ये सब कर रही थी, इसीलिए उसे रकम भेजी गई है। ऐसे पूरे प्रकरण के पीछे की साजिश की भी चर्चा शुरू हो गई है। उसके बैंक खातों में रकम डाले जाने की बात पर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस चौकन्ना हो गई है। पुलिस ने अब आरोपी बुआ के आधार कार्ड से उसके खातों की डिटेल खंगालने की भी तैयारी कर ली है। स्वतंत्रता दिवस के अवकाश पर बैंक बंद रहने से पुलिस अब 16 अगस्त को बैंकों से संपर्क करेगी। इसे रुपए भेजने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ना तय है। आरोपी फरार महिला का आधार कार्ड मिला है, इसे अब बैंकों से उसके खातों की डिटेल निकलवाई जाएगी। अवकाश के कारण 16 अगस्त को बैंक खातों से संपर्क किया जाएगा। समझौते के नाम पर अगर रुपए भेजे गए हैं तो रुपए भेजने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है तब से बुआ को लेकर कई मामले में एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं। जब इस मामले में पीड़िता की बुआ की संलिप्ति सामने आई तो घटना के दूसरे दिन पीड़ित लड़की की बुआ के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया था। पीड़ित किशोरी की बुआ ने पूरे मामले में मास्टरमाइंड के नाम गिनवाए। बुआ ने दावा किया कि सपा ने अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल है। दावा किया गया कि सपा नेता बवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 4 महीने से नवाब सिंह यादव को फंसाने की योजना बनाई जा रही है। पीड़िता की बुआ ने कहा कि साजिश में कई और लोग शामिल हैं, जल्द ही सभी के नाम खोलेगी। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ के लिए पीड़िता की बुआ को बुलाया तो वह फरार हो गई। पुलिस ने बुआ को दुष्कर्म में सहयोग करने पर बुधवार को आरोपी बनाया। पुलिस लड़की की बुआ की तलाश
सरगर्मी से कर रही है। उसकी तलाश में हर जगह छापेमारी की जा रही है। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 6 सदस्यीय टीम भी बनाई है। वहीं पीड़िता के पिता अपनी बहन की शर्मनाक करतूत से सदमे में है। पीड़िता के पिता के मुताबिक बहन से भी ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है। इसके बावजूद उनकी बहन ने उसे कभी ना भूलने वाला गम दे दिया है। वो उसे गांव के लिए लेकर निकली थी, लेकिन 3 से 4 दिन तक इधर उधर टहलती रही। माता पिता के बयान के बाद इसी बीच पीड़िता के दादा और दादी ने नवाब सिंह यादव की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। कुछ पुलिस वाले हमारे पास गाँव आए और बोले आपको कन्नौज चलना होगा। मैं अपनी पत्नी के साथ कन्नौज पहुंचा तो वहां मामला पता चला। वहीं नातिन से मुलाकात हुई, उसके साथ गलत हुआ, दुष्कर्म हुआ। हमको न्याय मिलना चाहिए, गलत किया है जिसने उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं किशोरी की दादी से जब इस संबंध में बात की गई तो वो रोने लगी। रोते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना के 3 दिन बाद भी हम लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया है। बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जो समझ में आए करें, जो गलत किया है उसे सजा तो मिलेगी, जो बेटी यानी कि किशोरी की बुआ ने गलत किया है वो भरेगी, जो नेता ने गलत किया है उसका खामियाजा वो भरेगा। वहीं नवाब सिंह के ऊपर एक के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं। जेल जाने के बाद उसकी संपत्ति भी पुलिस और प्रशासन की रडार में आ गई है। पुलिस उसकी संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि तीरवा में नवाब सिंह यादव के पास आलिशान होटल है, एक डिग्री कॉलेज और एक स्कूल भी है। इनकी कीमत 2100 करोड़ रुपए आकी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नवाब सिंह यादव एक भट्टे का संचालक भी करता है। उसकी कई बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। पुलिस की टीम नवाब सिंह यादव के आयकर रिटर्न की भी जांच करेगी। इसमें देखा जाएगा कि सपा की सरकार के समय या उससे पहले और बाद में नवाब सिंह यादव की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि देर रात 1:30 बजे पुलिस को 112 नंबर पर फोन कॉल आया था। पुलिस टीम ने बताया कि कॉल एक नाबालिग लड़की का था जिसने शिकायत की कि उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है और ये कोशिश नवाब सिंह यादव ने की थी। पुलिस हरकत में आई और आरोपी को दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने बताया कि वो अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के पास गई थी। उसे बताया गया था कि उसे नौकरी के लिए वहां जाना है। वहीं तब से अब तक इस मामले ने कई सारे मोड़ लिए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के 30 करीबियों को तलब करते हुए पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। कोतवाली प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिन लोगों को बुलाया गया है अभी तक कोई भी नहीं आया है। हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जाएगी। इस मामले में राजनीति भी खूब चल रही है। बीजेपी सपा को जमकर घेर रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोपी नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। कन्नौज सपा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि नवाब सिंह यादव इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है और सपा से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई और आगे क्या क्या खुलासे होते हैं इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।